क्या आप भी मेरी तरह खुद का सैलून ओपन करना चाहते हो या आपने ऑलरेडी एक सैलून ओपन कर रखा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज अ न्यू सैलून ओनर आपको फ्रेंचाइजी लेकर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल को अडॉप्ट करके अपने सैलून को रन करना चाहिए या खुद से इंडिविजुअली। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेदांत, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ एंड मैंने एक छोटे से मेन सैलून से स्टार्ट करके आज यूनिसेक्स सैलून की चेन बनाई है। तो जिस जर्नी से मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को सीखा है, जिसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि एज ए न्यू सैलून ओनर आपको अपने सैलून को, अपने बिजनेस को कैसे रन करना है ताकि आप उससे प्रॉफिट बना सको एंड बाकी किसी परेशानी का फिक्र ना करो कि सैलून बिजनेस चलेगा या ना चलेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को सीख कर जाओगे, जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप भी अपने बिजनेस को ग्रोथ करवा पाओगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो नीचे में इंस्टाग्राम का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में या साइड में आपको इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दिख रहा होगा, तो अभी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट हो सकते हो एंड अपने सवाल को वहाँ से पूछ कर उसका सॉल्यूशन पा सकते हो। तो वापस आते हैं इस वीडियो में एंड बात करते हैं एज ए न्यू सैलून ओनर आपको किस मॉड्यूल पे काम करना चाहिए। आप खुद से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ या किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लो, तो दोनों चीज़ों को हम समझेंगे अलग अलग करके। पहले बात करते हैं, अगर आप एज अ इंडिविजुअल अपने सैलून को रन करोगे तो उसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है एंड उस परेशानी को आप कैसे दूर कर सकते हो, एंड दूसरी अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है एंड क्या क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने डिसाइड करा है कि वो एज अ इंडिविजुअल खुद का सैलून बिजनेस को रन करेंगे। तो देखो, आप बिल्कुल रन कर सकते हो, तो ऐसे में आपके सामने कुछ बेसिक सी परेशानी आ सकती है जिनको अगर आप टैकल कर लेते हो तो आप खुद से भी अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हो। तो परेशानी में आपको आ सकती है सबसे पहले स्टाफ की, जो सैलून बिजनेस का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम होता है उसको स्टाफ का ही प्रॉब्लम कहा जाता है। आज काफी ज्यादा सैलून ओनर से अगर आप बात करोगे, उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है स्टाफ मैनेजमेंट को लेकर। उनका कहना होता है कि उनके पास स्टाफ टिकते ही नहीं। तो आप अगर अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हो तो आप अपने बिजनेस को आगे रन कर पाओगे। एंड जो दूसरी प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है वो आ सकती है क्लाइंट की। आज मैक्सिमम सैलून ओपन तो हो जाते हैं बट विद इन 6 months to 1 year वो क्लोज हो जाते हैं। रीजन, उनके पास क्लाइंट आते ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप क्लाइंट के इस प्रॉब्लम को दूर कर लो तो आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। एंड ऐसे ही छोटी छोटी कुछ जानी मानी परेशानी होती है जिसको अगर आप मेरे यूट्यूब से मेरे बाकी वीडियोस को देखोगे तो जिससे आप समझ सकते हो, मैंने काफी ज्यादा ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल रखा है। तो अब बात करते हैं, अगर आप फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस को रन करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट आ सकता है। देखो समझो, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल जो होता है, कोई भी एक कंपनी तो अपने बिजनेस को मैनेज करती है, अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाती है, उसके बाद वो लॉन्च करते हैं अपना फ्रेंचाइजी मॉड्यूल, जिसके थ्रू वो काफी सारे बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को स्टार्ट करने में एंड ग्रो करने में। तो अगर आप किसी भी सैलून की फ्रेंचाइजी लेते हो, किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस को रन करते हो, वैसे में आपको मिलता एक प्रूवन कंसेप्ट को यूज करके आप अपने सैलून को सक्सेसफुल बना सकते हो। तो एज अ न्यू सैलून ओनर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी अच्छी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अगर आप काम करते हो तो आपको किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा एंड आप अपने बिजनेस को स्मूथली रन करके वहां से अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। एंड अगर आप चाहो तो हमारी भी फ्रेंचाइजी लेकर खुद के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, अपने सैलून बिजनेस के जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, हमारी टीम से बातें करनी है एंड इस बिजनेस के कंसेप्ट को समझना है। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद। क्योंकि हम अपना ही बात करने, इस जगह का बात करने वाले हैं, इसलिए हंसी आ रहा है। मेरे को वीडियो बनाने में डिस्टर्ब हो रही है, कृपया माहौल को शांत बनाएं। दो सूट फुड़ा है। नहीं।